दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद नगर निगम द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कार्रवाई को लेकर आप नेता और विधायक बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप विधायक राखी बिरला ने कहा कि बीजेपी एमसीडी में अवैध उगाही और भ्रष्टाचार में लिप्त है। बीजेपी ने एमसीडी से जाते जाते भी दिल्ली की जनता को लूटने और खसोटने की रणनीति बनाई है। साथ ही राखी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को लूटने के लिए बुलडोजर को हथियार बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आप कुछ एक राशि हमें दीजिए वरना हम आपके घर और दुकान पर बुलडोजर चला देंगे। ये बेहद शर्मनाक बात है और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी, आपके विधायक आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी जो है बात आती है, आपको ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति नेता परेशान करता है, धमकी देता है घर और दुकान पर बुलडोजर चलाने की, तो आप तुरंत मुझे बताइए, मेरे संज्ञान में इसको लेकर आइए, मैं उनसे अपने आप सुलट लूंगी, लेकिन दिल्ली की जनता को परेशान होने नहीं दूंगी। आप विधायक ने कहा कि अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति या बीजेपी नेता परेशान करता और बुलडोजर चलाने की धमकी देता है तो तुरंत उन्हें जानकारी दें।